हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथमेटिकल आरकेआर में। तो फ्रेंड्स, अभी हम लोग दो डिजिट का मल्टीप्लाई सीखेंगे। उसको दो डिजिट का जब नंबर हो तो उसको आसानी पूर्वक कैसे मल्टीप्लाई कर पाते हैं, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे कि हम जान 53 × 57 लेते हैं, इसको मल्टीप्लाई करके देखते हैं। तो फ्रेंड्स, इसमें हम लोग प्लस वन करेंगे, प्लस वन करने के बाद इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो फ्रेंड्स, ये हमारा आएगा 6×5 30, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे फिर तो 7×21 हो जाएगा। फ्रेंड्स, अभी हम लोग नेक्स्ट मल्टीप्लाई करके देखते हैं, 46 × 44। तो इसमें एक ऐड करेंगे फ्रेंड्स, फर्स्ट ऐड करने के बाद 5 होगा, 5 × 4 20, 6×4 = 24, ये हमारा इसका आंसर होगा। फिर हम लोग नेक्स्ट नंबर लेके देखते हैं, 31 × 39 लेते हैं, इसमें एक ऐड करेंगे तो ये 12 होगा, और 9 × 9 9 × 1 9 हो जाएगा। फिर हम लोग नेक्स्ट नंबर लेते हैं, 170 × 130। तो फ्रेंड्स, इस नंबर में हम लोग प्लस वन करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 130 आएगा, ये 11 × 12 होगा, और फिर हम लोग इसको 7 × 3 = 21 होगा। तो फ्रेंड्स, अभी सीख लीजिए कि इस ट्रिक को हम लोग कैसे उपयोग करते हैं। फ्रेंड्स, जब दोनों का जो दहाई अंक होगा वो सेम होना चाहिए, और इकाई अंक का ऐड दोनों का 10 होना चाहिए, तब हम लोग इसको ऐड कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स, देखिए कैसे होगा। जैसे कि इसका 3 + 7, इसमें भी 6 + 4, इसमें भी 1 + 9, 7 + 3, इसका जो यूनिट डिजिट नंबर है ऐड, उसको सम कर आने के बाद 10 आना चाहिए, और जो डेसिमल दहाई अंक है वो सेम होना चाहिए, तभी हम इस ट्रिक को अप्लाई कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूले। चैनल पे पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।